नमस्कार, आप सभी का एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, एक दुखद समाचार बैंकिंग इंडस्ट्री से, बैंकिंग फ्रेटर्टी से, बैंकिंग कुलीग के लिए। श्री विजय कुमार, ब्रांच मैनेजर ईडीबी ब्रांच आरआरबी का एक ब्रांच था जम्मू एंड कश्मीर में, टेररिस्ट द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। इस दुखद समाचार से हम सब हतप्रभ हैं और हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सरकार से ये भी मांग करते हैं कि बैंकर्स की सुरक्षा के लिए जरूर कुछ ना कुछ उपाय ऐसे किए जाएं। फ्रेंड्स, एसबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि श्री विजय कुमार, ब्रांच मैनेजर एरे ब्रांच ऑफ ईडीबी श्रीनगर हेडक्वार्टर्स रीजनल रूरल बैंक स्पॉन्सर्ड बाई एसबीआई वॉज शॉट डेड इन द ब्रांच प्रेमिसेस बाई ए टेररिस्ट। विजय कुमार हु बिलोंग टू राजस्थान वॉज जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड एंड हैड ज्वाइंड ईडीबी इन मार्च 2019। विजय कुमार वॉज वन ऑफ द मेनी सच बैंकर्स हेलिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हु आर वर्किंग इन द कश्मीर वैली एंड अदर डिफिकल्ट प्लेसेज टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ द अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक। SBI एज द स्पॉन्सर ऑफ द EDB Bank remains committed to ensure the safety and the well-being of all employees, including those posted in the valley. The EDB shall ensure that the bereaved family is provided with necessary support, financial and otherwise, on priority. Friends, इस घटना से हमारे सारी बैंकिंग इंडस्ट्री में क्षोभ है, दुख है। हम मांग करते हैं सरकार से कि उनकी फैमिली को वो सारे फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जाएं ताकि उनकी फैमिली अपनी लिविंगहुड, अपनी सर्वाइवल के लिए उसको स्ट्राइव ना करना पड़े, संघर्ष ना करना पड़े। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि IBA ने एक मैसेज कन्वेनर UFBU को दिया है और वो उस बारे में बात करते हैं कि मीटिंग ऑफ द यूनियन एसोसिएशन रिगार्डिंग द मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट ए कमेटी कंप्राइजिंग CGM, GM, HR ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक हैज बीन फॉर्म एट IBA टू रिव्यू द मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम एंड एडवाइस रिगार्डिंग द रिन्यूअल ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज एंड रिटायरीज पॉलिसीज विच आर एक्सपायरिंग ऑन 30th September 22 एंड 31st October 22 respectively. The committee comprises of the under mentioned members: CGM HR of State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Union Bank of India, Canara Bank, and GM HR of the Indian Bank and the UCO Bank. Friends, in connection to the above and the reference to the supplementary minutes signed with the Workmen Union and Officers Association on 10 December 20 and the 4 January 21. It has been decided to hold a meeting of the committee with the constituents of United Forum of Banks except BFI on Wednesday 8 June 22 at 3 p.m. at the IBA committee room, Cafe Parade, Mumbai. We therefore request you a please convey suitably to the General Secretary of the Constituent Workmen Union Officers Association of the UBU to make it convenient to attend the meeting by their own authorized representative. Kindly confirm participation. Friends, insurance renewal के लिए जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग का मेन मुद्दा क्या होना चाहिए? इसका मेन मुद्दा यूनियन से डिमांड है कि मेन मुद्दा प्रीमियम को कम करना, GST को कम करना और साथ में पॉसिबिलिटी ये करें कि ये इन रिटायरीज का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बैंकर्स द्वारा, बैंकों द्वारा, यानी कि जिस बैंक स्पॉन्सरिंग बैंक द्वारा बियर करना चाहिए, और एटलीस्ट सब्सिडीज नहीं तो 50% होना ही चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष हमारे कुछ बैंकों ने रिटायरीज को सपोर्ट किया था, लेकिन दैट वॉज ए मीगर अमाउंट जो कंसिडरेबल नहीं हो सकता। इसलिए खाली फॉर्मेलिटी के लिए ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए, मीटिंग में कुछ खास बातें होनी चाहिए, प्रीमियम कम होने की बात होनी चाहिए, कवरेज ज़्यादा की बात होनी चाहिए और इंश्योरेंस प्रीमियम को बैंक्स को बियर करना चाहिए। हाँ, इस बारे में एक मैसेज और आ रहा था, हालांकि ये नहीं लगता है कि बैंक से कंसर्न है, क्योंकि द
वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द रिप्रेजेंटेशन इज हैंडेड ओवर टू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ऑन 31st May बाई फ्रेंड ऑफ श्री सी एन प्रसाद SBMC बाई द बिहाफ ऑफ AIRBA ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉज एसोसिएशन फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन सी सेट सी वीज विजिट फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन सी सेट दैट सी इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू पेंशन अपडेशन एंड सी हैज शोन इंटरेस्ट टू कंसिडर आवर रिक्वेस्ट फॉर फ्री मेडिकल इंश्योरेंस फॉर ऑल फ्रेंड्स अगर लेट अस हो फ्री मेडिकल असिस्टेंट एज इंटरेस्ट शोन इन द मीट बाई FM इज गुड थिंग लेकिन FM अपनी बात पर कितना कॉन्फिडेंस है और कितना अमल करती हैं ये तो आने वाला समय बताएगा तब तक के लिए धन्यवाद नए अपडेशन के लिए फिर मिलते हैं और फिर एक बार हम श्री विजय कुमार जी के विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं थैंक यू फ्रेंड्स नमस्कार